जी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मारिया बिलाल के लिए दुआ करें, वो लोग वीडियो भी पोस्ट नहीं कर रहे, हमारा भी 2 दिन से उनसे रابطہ नहीं हो रहा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? सब सुनने वाले और देखने वालों को हमारा अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। जी आज व्लॉग घर से स्टार्ट किया है। ये खड़ी है नायरा। हेलो बोलो, सलाम दुआ तो कर लो। ठीक ठाक होंगे? अच्छा, तो आज रियान की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। आज सुबह से ना उसे सुबह हॉस्पिटल लेके गए हुए थे, तो अभी भी वो सोया हुआ है। ये तो उसे तंग भी नहीं कर रहे क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। इसे पेट का इशू था तो एमरजेंसी में लेके गए हुए थे। बहुत रोता रहा है, सारी रात सोया ही नहीं एक सेकंड के लिए भी। तो चलें देखते हैं हिना क्या कर रही है। ये कहाँ है? वो खड़ी है विद चिकू। चिकू ये बैठा हुआ है। हेलो चिकू। हेलो चुन्नू। हिना अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमारा व्लॉग चल रहा है उल्टा। हाँ, जब हमने सलाम दुआ जो है ना ये बाद में की है। हाँ, क्योंकि सुबह वो हॉस्पिटल चले गए थे। रियान की तबीयत सुबह में बहुत खराब हो गई थी, तो एकदम से हमें सुबह 8 बजे 7 बजे हम हॉस्पिटल 7 बजे हॉस्पिटल गए थे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि रियान के लिए भी दुआ करें। और मैं कल भी भूल गई थी कि ये देखिए क्या कर रहे हैं बिलाल का सर, मुझे कमेंट्स में भी पूछ रहे हैं, आज कमेंट्स आ रहे थे, तो उनसे हमारा भी 2 दिन से जो है वो रابطہ नहीं हुआ। कोशिश कर रहे हैं, बिजी होंगे हॉस्पिटल में, तो उनका फोन भी ऑफ जा रहा था। मेरा सिग्नल का इशू था, उससे पहले तो रابطے में थे हम उनसे। तो इंशाल्लाह उनको भी देखेंगे, जाएंगे हम उनकी जो है खैरियत पता करने। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि दुआ करें, अल्लाह करे कि वो ठीक हो और ऑपरेशन का जो है वो ठीक हो गया हो। हाँ इंशाल्लाह। हाँ जी नायरा, बस इंशाल्लाह हम जैसे ही उनसे रابطہ होता है 1-2 दिन में उनकी तरफ भी चक्कर लगाते हैं। इंशाल्लाह उनकी आपकी की तबीयत का भी पूछेंगे। मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ, कल भी करता रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ, सुबह से मेरा रابطہ नहीं हो पाया। आज हमने पकाए थे आलू अंडे। क्या आलू अंडे? हाँ जी, आज ये बची है, बाकी सारे खा गई है। मैं खा गई हाँ, मेरी सेहत से तो आप लोगों को अंदाजा हो रहा होगा। देखिए ना, मैंने ज्यादा खाया नहीं, मैं फूल गया हूँ इसीलिए। ये स्मार्ट सी है, ये खा खा के ही होती है। उल्टी बात क्या है इसमें? मम्मा या नायरा? ओ, मम्मा या नायरा? हाँ बताओ। अच्छा, इसे ये सुनने के लिए मैं मोटा हूँ, इतनी खुश हो रही हूँ। है? मुझे पता है। चलें ये चीकू देखें। चीकू आज हरकत देखिएगा। चीकू आजा, आजा चीकू, आ चीकू आजा। आज वो पता नहीं कैट फूड भी खत्म हुआ है, इसका कैट फूड भी खत्म हुआ है और वो मिल ही नहीं रहा। इम्पोर्टेड वाला हम यूज करते थे और वो हुआ है अब शॉर्ट। और ये चिकन पे है और इसका मूड बड़ा खराब है। हाँ। चिकन मजा नहीं आ रहा। अच्छा मुझे देखना, फिश वाला कैट फूड था ना हमारा, वो बड़े मजे से ये खा। हाँ। मैं यही देख रहा हूँ, जब से चिकन वाला खा रही है फूली भी हुई, चिकन खा रही है फूल भी गई है थोड़ी, है ना? वो चिकन मेरे ख्याल से फुला रहा है। हाँ ये देखे जी, अब यहाँ बैठी हुई आपको दिखाता हूँ। अभी ये देखे भाग रही है। आप क्या देख रही हो? भी बताना चाहूंगी, मेरे बर्तन जो है ना बीच में रह जाने आज के शादी का सब पूछ रहे हैं। तो शादी जो है वो स्टार्ट संडे को वो है मिलाद है, इस संडे को परसों, इस संडे को परसों जो है वो मिलाद है संडे को। और उसके बाद जो ढोलकियां वगैरह स्टार्ट हो जाएंगी, तो समझे बस शादी जो है वो स्टार्ट संडे से। और जो वो फंक्शंस है ना, जो फॉर्मल फंक्शंस होते हैं बकायदा, तो वो है 8 से। हाँ फिर मैं रोज भूल जाती हूँ, 8, 9, 10। 9, 10, 11। फिर 8 को क्या है? 8 को पता नहीं, 9, 10, 11। और पता क्या, हमारी एनिवर्सरी है 7 दिसंबर को। ये सब याद रखिए। अच्छा ये अच्छा इसने बता भी दिया है, ठीक है। अब ये थंबनेल पे मैं लगा दूंगा। सही है, ठीक है, ये मैं थंबनेल पे लगा दूंगा 7 दिसंबर की एनिवर्सरी का। हिना ने सबको बता दिया, यही लिखूंगा, ठीक है। जी तो हम आ गए हैं हलवा पूड़ी खाने। ये देखें हलवा पूरी का बलून, थोड़ा ऊंचा बोलो, क्या कह रही हो? मैं कह रही हूँ हलवा पूरी का बलून बना। और इस बाबू की लस्सी भी आ रही है जी। तो नाश्ता तो आप हमारा देख चुके हैं, अब आसिफ गए हैं काम पे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा व्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। और आज हम घर पे हैं, तो मैं अपने सारे पेंडिंग काम जो है ना वो ख़त्म कर रही हूँ।
जैसे कि कपड़े प्रेस करना और थोड़े से कपड़े मैंने अलग किए हुए थे हाथ से धोने के लिए। वैसे तो हेल्पर धोती है कपड़े, लेकिन कुछ जो नए होते हैं या बच्चों के कुछ होते हैं ना ऐसे, तो मैं हाथ से धोती हूँ। तो आज मैंने सोचा अपने सारे पेंडिंग काम कर लूँ, क्योंकि आज आसिफ गए हुए हैं, तो आज मैं आराम से जो हूँ ना अपने काम जो है वो ख़त्म कर सकती हूँ। और आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि माशाल्लाह से चैनल का जो है ना वो बहुत अच्छा जा रहा है, सारा कुछ व्यूज़ भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो उन सबका शुक्रिया जो कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, और उन सबका भी शुक्रिया जो नहीं करते हैं। तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। जी तो हम लेने आए हुए हैं फिर कपड़ा शलवार कमीज़ों के लिए कुछ, तो वो कंप्लीट अब कर देंगे। एक हमने किया यहाँ से, कहाँ गया कि कौन कौन से हैं? एक तो ये वाला है ना, एक ये और एक ब्लू लाल, ये दो कपड़े लिए हैं और कुछ देख रहे हैं, कुछ समझ आती तो फिर दिखाता हूँ आपको। जी तो पेंट कोट की ट्राई देने आए थे, ये मेरा और ये वाला है आकिब का, ये वाला ट्राई दी है, अब ये कंप्लीट होगा इंशाल्लाह। अच्छा तस्वीर में ब्लैक लग रहा है, वाले नेवी ब्लू है, ये भी है एक। इसकी सारी कहानी मैं बाद में बताऊंगा। इना ऊपर से कंबल उतार भाई, मैं स्टोर से निकाल लाया कंफर्टर और ये कंबल बच गया, वो बाहर जाने लगा था। इसकी पैकिंग मैंने उतार दी लास्ट ईयर, लास्ट टाइम हमने बल्कि कुछ टाइम पहले ही वॉश करा के रखे हैं यहाँ जब शिफ्ट हुए थे। अभी नहीं कर सकती है, भी है ऊपर अकेली गई। सर्दी आने से पहले ही मैंने ये दोनों चीजें वॉश करा के रखनी थी, तो रसाई रात ना ब्लैंकेट की लड़ाई हो रही थी। हाँ वो रियान नायरा है ना, वो इतने अंदर पड़े हैं कि वो नहीं निकाल सकते। कंफर्टर ज्यादा इजी रहते हैं। चलो वैसे ये गर्म, ये गर्म मैं कह रहा हूँ बहुत है इसमें। हाँ, गर्मी अभी गर्मी ना लगे, ये बहुत गर्म है, फुल सर्दियों ये नहीं, ये बच्चे नहीं लेंगे, ये बच्चे नहीं लेंगे, बच्चे तो वो उतार देते, ये कैसे लेंगे। चलो देखते हैं, वरना फिर कोई ब्लैंकेट निकालना पड़ेगा। और इस कम्फर्टर को देख के पता है मुझे क्या याद आता है, ये जो प्रिंट है ना कम्फर्टर का, ये पता नहीं कौन सा डिजाइनर था, नोमी अंसारी, नोमी अंसारी के कपड़े थे नेट पे लगे हुए सेम यही प्रिंट, और लोगों ने उस पर पोस्ट लगाई थी, लोगों ने किसी के पास ऐसी बेडशीट थी, मैंने कहा मेरे पास ऐसा कंफर्टर है सेम यही प्रिंट था, नोमी अंसारी की वो मैक्सी टाइप बनी हुई थी लॉन्ग फ्रॉक, ये भी तो अभी ये लगा हुआ है टैग कंफर्टर बाय नोमी अंसारी। यार फट जाएगा यार, क्या तो फटे कैंची से करो फटे, देखो बच गया ना अभी, काफी थिक फैब्रिक है इसका। चलो काटो इससे तो काटो। हाँ जी हाँ जी, तो अब हमारी सर्दियाँ जो हैं वो फुल आ गई हैं लाहौर में, और आप फुल नहीं कह सकते, नहीं नहीं फुल नहीं आई बिल्कुल। मैं बताती हूँ, ये जो भी मुझसे पूछते ना लाहौर में कैसी सर्दी है, मैं कहती हूँ जितनी कराची की फुल सर्दी होती है ना उतनी लाहौर में हो गई। हाँ ये कह सकते, अभी एसी चल रहा है पता है आपको। अच्छा? रात के टाइम, हाँ जी इतनी गर्मी, फिर यहाँ तो देखे ना फैन भी बंद है, फैन साफ नहीं करना था यार, ये मुझसे हो ही नहीं ना, मैंने इसको ब्रश से किया, लेकिन ये कपड़े से होगा अच्छी तरह। ऊपर देखो कितने, अब मैं वीडियो में मच्छर तो दिखाने से रहा, चले चाय। तो आप लोग जहाँ से भी हमें देख रहे हैं बताएं कि आपकी कंट्री में आपकी सिटी में कैसा मौसम है, और सब्सक्राइब करें काइंडली। दरअसल आज मैं घर पे नहीं था सुबह से, और थोड़ा बहुत व्लॉग बस वही हमारा, क्योंकि रियान के पहले टेंशन में लगे रहे हैं सुबह, उसे हॉस्पिटल लेके गए हुए थे, वहां से फ्री हुए तो फिर नाश्ता करने चले गए थे, नाश्ता किया तो मैं ऑफिस चला गया था। रियान की फरमाइश थी नाश्ते की, हाँ ऑफिस चला गया था, ऑफिस से अभी थोड़ी देर पहले फ्री होके आया हूँ, तो हमने खाना वाना खाया, खैर उसकी तो वीडियो नहीं बनाई, वो दिखा दिया हमने खाया क्या है। और ना रियान दो दिन उसे सही नहीं सो रहा है, दो रात हाँ, उसे हम भी जाग रहे हैं और ये भी जाग रहा है, देखे ना आज पूरे सुकून से ऐसे मस्त सो रहा है आज। ये अभी रात के बज गए हैं 12, वो देखे जी 12 बज गए हैं, तो इंशाल्लाह मिलते हैं चाय पे, ठीक है चाय तो लेके आओ यार, टेरेस में नहीं पीनी, टेरेस में रखो, आई टेरेस में बैठते हैं, हाँ मजा आएगा। जी तो अब हमारा है टी टाइम, वो भी रात के 12 बजे, और ये है हमारी काली चाय, क्योंकि आसिफ बहुत डार्क चाय पीते हैं। साथ में क्या है? एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। अच्छा तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि काइंडली हमारे जितने सब्सक्राइबर हैं ना,
उन्हें रिक्वेस्ट है कि वो बेल आइकन लाजमी दबाएं, क्योंकि हमें इस चीज का नोटिफिकेशन आ रहा है कि हमारे नोटिफिकेशन सिर्फ 28 लोगों ने बेल आइकन से जो हमारी वीडियो देखते हैं वो सिर्फ 28 है, यानी कि आप लोगों ने नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाई। हाँ, वो बेल दबाएंगे तो उन्हें नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि अक्सर आप ही के मुझे मैसेज भी आ जाता है कि आप लोगों ने आज व्लॉग नहीं लगाया। जब तक वो बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो फायदा नहीं है, तब तक आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। सब्सक्राइब किया भी हुआ है तो बेल आइकन लाजमी उसी के साथ होता है, बेल आइकन वो दबा लें, यानी टल्ली बजा दो, घंटी दबा दो। और दूसरा, नए आने वालों को वेलकम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कुछ लोग आए हैं नए, हम उन्हें वेलकम करते हैं और पुरानों का शुक्रिया अदा शुरू से करते आ रहे और करते रहेंगे इंशाल्लाह। और आप लोगों का प्यार है कि आप लोगों ने इतना साथ दिया। और काइंडली एक चीज़ और कहूँगा, आप सब लोग अपनी फैमिली मेंबर्स फ्रेंड्स के साथ हमारी वीडियो शेयर करें। खास तौर पे जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं ना, जो हमें फर्स्ट डे से फॉलो कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, क्योंकि हमारा सारा मसला तकरीबन गुजर चुका है, करीब तरीन है, तो हमारा साथ समझा दिया, अंग्रेजी में भी समझा दिया, हमारा साथ दें, आपकी मेहरबानी, रिक्वेस्ट है आपसे। और फैमिली और फ्रेंड्स में जितने लोग हैं उन्हें कहें हमें जो देखने वाले हैं वीडियो, ये नहीं है कि अननोन पर्सन है वो करके छोड़ देगा, उसका हमें फायदा नहीं है। जो वीडियोज देखने वाले हैं काइंडली उन्हें रिक्वेस्ट करें कि इनकी वीडियोज देखें, आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में करें। और इंशाल्लाह आप लोगों का मैं इस चीज का भी एडवांस में शुक्रिया एडवांस में शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हमारे एक बार कहने पे लोगों ने कर देना, हमें इतना पता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम उन आपियों के बकायदा फिंगर टिप्स पे नाम ले सकते हैं जो हमारी बात नहीं टालती, और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सबको रिप्लाई भी करते हैं और किसी की बात नहीं टालते, जो कहता है वो कोशिश होती है हम पूरी करें। जहाँ तक क्या हुआ, जहाँ तक हमारी कोशिश होती है हम वो चीज पूरी करते हैं। और आज का व्लॉग बस डेली रूटीन वाला बनाया है हमने, क्योंकि अब डेली ना शॉपिंग हो सकती है। हालांकि आज के व्लॉग में भी मैंने दिखाया कि मैं अपने कुछ वो ड्रेसिंग का सारा दिखाया है कि पैंट कोट की ट्राई करने गए थे, साइजेस दे के आए हैं, कुछ एक दो सूट लिए हैं, वो अबू के लिए भी लिया है, तो सब मैंने वही चीज दिखा रहा था कि जितनी को शॉपिंग कर सकते हैं हम वो हर टाइम शॉपिंग पे वीडियो नहीं बना सकते। तो डेली व्लॉगिंग में भी है, इंशाल्लाह रिव्यूज देंगे जैसे ट्रैवलिंग, क्योंकि शादी सर पे है, ट्रैवलिंग की तरफ जा नहीं पा रहे हम, शादी की भी साथ साथ तैयारी कर रहे हैं, वो भी सारा देख रहे हैं, तो आज भी सारा दिन हमारा उधर आधा दिन गुजर गया है। तो बहरहाल आप लोगों का बहुत शुक्रिया, और ये अब जो बात करना चाहे कर ले, काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबा लीजिएगा, और अपने फ्रेंड एंड फैमिलीज में शेयर करें, और कमेंट आप जो भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आपको जवाब देते हैं। और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज, अब ही ना बोलेंगी, और कमेंट करते रहें, आपके कमेंट जो है ना वो ही उन्होंने हमें मोटिवेट किया है कि हम यहाँ तक आए हैं, इतनी वीडियोज हम बना चुके, तो कॉमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। और एक फिर मैं उनका नाम भूल गई, उनसे रिक्वेस्ट है, यार मुझे परांदा नहीं मिल रहा, आप इतने अजीब कमेंट्स कर रहे हैं एक परांदे के लिए, तो काइंडली उस चीज़ को आप छोड़ दें, इस टॉपिक को, परांदे का टॉपिक को, हम तीन बाजार देख चुके हैं, हमें परांदा नहीं मिला, तो करते हैं यही एंड वीडियो को। वो जहाँ से कहती है ना लेके आए, वो हमारे घर से एक घंटे का रास्ता है, एक घंटे से भी ज्यादा लग जाते हैं। हाँ, तो वहाँ जाना आना फिर इतना रश, उससे हम नामुमकिन है, बच्चों के साथ वहाँ जाना नामुमकिन है। तो काइंडली चलें आप बोलें, अब बस कुछ नहीं, अब हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ओके जी, सबको अल्लाह हाफिज। रियान तो आज सो रहा है, नायरा अंदर खेल रही है, तो उनके उनके बदले च भी मैं ही कह देना। ओके जी, रियान सो रहा, तो नायरा बहुत ईजी होकर खेल रही है। हाँ, उसको बहुत तंग करता है, बहुत। हाँ जी, वो देखे जी चीकू बेटा कैसे देख रहा है, छुपा हुआ है पर्दे में। हाँ, इसको ये नहीं पता, ये हम इसको देख सकते। चलें जी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह मिलते हैं कल नए व्लॉग में, नई कोई सोच के साथ, मजेदार व्लॉग के साथ इंशाल्लाह ताला। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।